नमस्कार, बिग दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी का हमला, दो कुंभों का मिलन है कांग्रेस और सपा का गठबंधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पर करारा हमला बोलते हुए शुक्रवार को कहा कि यह राजनीतिक नहीं बल्कि देश और प्रदेश को लूटने वाले दो कुंभों का गठबंधन। मोदी ने बिजनौर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों दल राजनीतिक पार्टी के बजाय कुंभे हैं, जिसमें एक दिल्ली का है और दूसरा सैफई का। एक ने देश को लूटा है, दूसरे ने प्रदेश को। अब दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को लूटना चाहते हैं। दोनों सोचते हैं कि प्रदेश के मालिक वही हैं, इसलिए प्रदेश को लूटने के लिए एक मंच पर इकट्ठा हुए। मैंने सोचा था कि अखिलेश पढ़ा लिखा नौजवान है, सीखने का प्रयास कर रहा है, आशा थी कि राजनीति में अच्छा काम करेंगे, लेकिन उन्होंने उस नेता से हाथ मिला लिया जिससे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 10 फुट की दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का नाम लिए बगैर मोदी ने चुटकी ली कि कंप्यूटर पर गूगल में जाएं तो कांग्रेस के एक नेता की बचकाना हरकतों पर इतने चुटकुले मिल जाएंगे जितने शायद ही किसी नेता पर हो। राहुल गांधी से गले लगने के बाद अब तो अखिलेश यादव की समझदारी पर भी शक होने लगा है। मोदी ने कहा कि एक कुनबे ने अपनी जाति का भी नहीं सिर्फ अपने परिवार का भला किया है, इसी वजह से इस कुनबे के गांव सफाई के लोग मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, मंत्री और अन्य बड़े पदों पर बैठे मिल जाएंगे। उन्होंने गांधी नेहरू परिवार का नाम लिए बगैर कहा कि दूसरा कुनबा ऐसा है जिसे फैक्ट्री में आलू बनने का सपना आता है। जब इन्हें यही नहीं पता है कि किसान खून पसीना बहाकर आलू पैदा करते हैं, वे किसानों का क्या भला करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में उनकी सरकार बनी थी तो गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए बकाया था। केंद्र के खजाने से 99% से अधिक का भुगतान कर दिया गया, लेकिन 6 ऐसी चीनी मिले हैं जिसने किसानों का भुगतान नहीं किया। राज्य में भाजपा सरकार आएगी तो पूछा जाएगा कि इन मिलों से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का क्या रिश्ता था। दूसरी ओर यूपी के पहले चरण में शनिवार को जिन 73 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, उनमें से 3 क्षेत्रों में सपा और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार आमने सामने हैं। अलीगढ़ जिले की कोल सीट पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विवेक बंसल का मुकाबला सपा उम्मीदवार शाज इसहाक से हो रहा है, जबकि मथुरा की बलदेव सीट पर सपा उम्मीदवार रणबीर और कांग्रेस के विनेश कुमार आमने सामने हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट पर कांग्रेस के दीपक कुमार और सपा की उषा किरण के बीच मुकाबला हो रहा है। नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र में ट्रक और ऑटो के बीच हुई टक्कर में 8 लोगों की मौत। शिवसेना ने कांग्रेस की सराहना की, नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। 4 टेस्ट मैचों में दोहरा शतक, कोहली ने राहुल द्रविड़ और डॉन ब्रेडमैन को पीछे छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट का शशिकला के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने जिनपिंग से फोन पर बात कर एक चीन नीति का सम्मान करने की बात कही। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।